आओ आओ। बस बस बसमान रहीम जी नाजरीन आज का मेरा विलाग है क्वाल टू शुगरान तो काफी ज्यादा मुश्किल है रास्ता और ये हम आ, हम अपनी गाड़ी के टायरों के ऊपर चैन लगा रहे हैं तो गाड़ी तो फोर बाई फोर है लेकिन उसके चैनस के अलावा आगे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो आज चार फरवरी है और 2024 विंटर में हम आपको शुकरान वैली के हालात दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं जीप्स के ऊपर भी चैन लगा रहे हैं यहाँ की शहज़ादी है ये और हमारी गाड़ी भी माशाल्लाह फोर बाई फोर है और चैंस के ऊपर चैंस लगाने बगैर जो है गाड़ी आके आगे लेके जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है तो नाजरीन हम आगे आपको शुग्रां की तरफ लेके चलते हैं वीडियो को स्किप नहीं करना एंड तक हमारे साथ रहना इन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल आ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बसानी पहुंचती रहें और स्नोफॉल स्टार्ट है और ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी है लेकिन जारी है जू ही आगे जाते जाएंगे और बर्फ़बारी भी ज़्यादा होती जाएगी और साथ स्नोफॉल भी तेज़ होती जाएगी तो ये आप देख सकते हैं जंगल में बर्फ़बारी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन व्यू आपको नज़र आ रहा है शुगरान पहुंचने से पहले के मनाजर हैं और ये रोड के हालात हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रास्ता हो जाता है जब स्नोफॉल होती है तो ये साथ साथ स्नोफॉल स्टार्ट है शुगरान में तकरीबन आज पूरे शुगरान में जितने होटल हैं ये सब जो हैं वो पैक हो चुके हैं फुल हैं और नीचे कोई में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं लोगों ने अपनी टू व्हील गाड़ियाँ नीचे खड़ी करके और जीप्स वग़ैरह पे ऊपर शुगरान की तरफ से आए हैं नाजरीन तो ये देखें हालात बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है ये दरख्तों पर भी आप देख सकते हैं और ये देवदार के दरख्त हैं बहुत ही ख़ूबसूरत खुँचुरत है ख़ूबसूरती इन दरख्तों की वजह से इस वैली में है और ये भी पूरे और अभी हम ये एक पहुँचे हैं एक जीप है ये ऊपर जा रही है लेकिन थोड़ा सा स्लिप हो चुका है और साथ नीचे कोरा भी लगा है लेकिन गाड़ी वाले ने निकाल लिए अपनी गाड़ी तो देख सकते हैं नाजरीन और सिर्फ़ ये गाड़ियाँ जो हैं इस वैली की रौनक हैं ये पहाड़ों की शज़ादियाँ हैं जो आपको एंजॉय करा सकती हैं जहाँ भी आप जाना चाहें तो इनके बगैर यहाँ पे कोई गाड़ी भी इतनी वो ज़बरदस्त नहीं है चल सकती इनके मुकाबले में ये फोर बाई फोर गाड़ियाँ होती हैं उसके अलावा चैन्स वगैरह लगाते हैं तो इतना मुश्किल पेश नहीं आती इन गाड़ियों में तो हम आगे पहुंचने वाले हैं वीडियो को स्किप नहीं करना इन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तो देखें नाजरीन ये रोड के हालात आपके सामने हैं तो शुगरान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि शुगरान में होटल जो हैं वो तमाम के तमाम ओपन हैं और रे, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं शॉप्स वगैरह ओपन हैं फिर आगे आपको रास्ते की अपडेट देता चलूं कि सिरी और पाया अगर आप हाइकिंग करना चाहें तो अ, कर सकते हैं और वो भी आप अ, मकामी किसी गाइड को ले के, साथ ले कर चलें और जो है जीप वगैरह आगे बर्फ़बारी चार से पाँच फुट हो चुकी है लेकिन अ, गाड़ी आगे नहीं जा सकती और शुगरान से फिर आगे सीरी और पाया की तरफ हाइकिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो वैसे जो है ना गाड़ी आप अपनी नहीं लेके जा सकते तो शुगरान में भी तकरीबन तीन फुट से ज़्यादा हो चुकी है बर्फ़बारी और सर्दी का हाल में आपको बताता चलूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और टम्परेचर माइनस पंद्रह से ऊपर ही है और बहुत ज़्यादा सर्दी है और साथ साथ ये स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है नाजरीन अभी हल्की हल्की सी है लेकिन जो ही ऊपर पहुँचेंगे तो बर्फ़बारी ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टार्ट हो चुकी होगी नाजरीन तो फरवरी का महीना है पिछली जो स्नोफॉल हुई थी उससे आज तक काफ़ी गैप था तो अभी जो है ना ये आप देख सकते हैं हम शुगरान पहुंच आए हैं नाजरीन ये स्नोफॉल और ये लोगों का रश ये आपके सामने ये स्क्रीन में देख सकते हैं नाजरीन लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दोस्तों के साथ इन्जॉय करने के लिए आए हुए हैं और ये साथ लोगों ने आग वग़ैरह जलाई हुई है और आगे मैं आपको बताऊंगा और हालात दिखाऊंगा नाजरीन तो ये आप देख सकते हैं बर्फ़बारी कितनी पड़ी हुई है यहाँ पर और ढाई से तीन फुट तक बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं आग जलाई हुई है लोगों ने यह आपके सामने है और उसके साथ साथ आग आग आपको शूज़ चाहिए तो यहाँ पे शूज़ भी मिल सकते हैं और रेंट पर तो ये देख सकते हैं नाजरीन हालात ये हम होटल में मौजूद हैं पाइन पार्क होटल में तो उसके लान में आप देख सकते हैं हालात और ये लोग अपनी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं ये आपके सामने है तो इसी के साथ मैं अपने नाजरन से इजाज़त चाहूँगा मिलते हैं नेक्स्ट विलाग में तो अपना ख्याल रखिएगा ओके अल्लाह हाफेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो कमेंट